24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग 7 महीने से जारी है, लेकिन इसका अभी अंत या इस पर कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। वहीं रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर रहा है। इससे अब तक यूक्रेन में 353 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं 662 बच्चे घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की तैयारी है। उनकी जगह मुख्यमंत्री के रूप में हाईकमान की पसंद सचिन पायलट है, लेकिन गहलोत खेमा पायलट के नाम पर नाराज हो गया है। विधायक दल की बैठक से पहले गहलोत गुट के करीब 70 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचकर इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 और 2 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। 2 अक्टूबर को वे उत्तर कश्मीर में पहाड़ी और गुज्जरों की बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। कयास है कि वे बड़े पैकेज और पहाड़ी भाषी समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा कर सकते हैं। पंजाब की आप सरकार द्वारा 27 सितंबर को बुलाए गए विधानसभा सत्र को विपक्षी दलों ने अब संवैधानिक सेशन कहा है। भाजपा के पंजाब अध्यक्ष अश्वनी शर्मा और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा है, अगर सरकार 22 सितंबर को ही संविधान के अनुसार सत्र बुलाती तो उसे रद्द नहीं करना पड़ता। यूएनजीए के 77वें सत्र में शामिल होने अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा है कि वे अमेरिकी मुख्यधारा की मीडिया भारत में कवरेज को लेकर एक तरफा है। उन्होंने कहा, भारत आज दुनिया भर के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी आवाज नरेंद्र मोदी के कारण मायने रखती है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 4000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 4129 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं 4688 मरीज रिकवर हुए। इस दौरान 20 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 62.23 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 65 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.68 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का घर भी महफूज नहीं है। यहाँ होने वाली मीटिंग्स के ऑडियो क्लिप ऑनलाइन लीक हो रहे हैं। यहाँ होने वाली एक मीटिंग का ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अपने एक अफसर से बातचीत का कथित ऑडियो भी सामने आया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के हवाले से भारत का जिक्र किया गया है। तेल कंपनियों ने आज 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 126वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच देश का शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के पहले दिन 26 सितंबर 2022 सोमवार गिरावट के साथ खुला। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर रहे। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित सम्मेलित सूचकांक सेंसेक्स 564.77 अंक यानी कि 0.97% नीचे 57,534.15 के स्तर पर खुला।